अपडेट शामिल करेंगे। नारोवाल सेली उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल और इसके गिर्दोनवाह में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। नारोवाल और इसके मजाफात करतारपुर अहमदाबाद अलीपुर सईदा में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब बारिश की वजह से शहर की गलियों और बाजारों में भी बारिश का पानी मौजूद। शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना। म्यूनिसिपल कमेटी कामला भी मंजर आम से गायब दिखाई देने लगा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक बरकरार रहने का इम्कान है। सहमन शरीफ से अपडेट शामिल करते चलें। रशीद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना और से मुबारक के इनका का फैसला कर लिया गया। डीसी जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफा की जेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में महकमा औकाफ पुलिस रेवन्यू व सेंट सर्विसेज समेत दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। उर्स के मौके पर इंतजाम की तैयारी के लिए प्लान भी मुरतब किया जाए। डीसी जामशोरो की अफसरान को हिदायत जारी। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी समाज को भी सख्त किया जाएगा। इजलास में मजीद बताया गया कि सीसीटीवी कैमरों की तंसीब और इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। तकरीबात के ऑडिटोरियम और दीगर मकामात पर सफाई सुथराई भी करवाई जाएगी। जायरीन की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप, पानी की सबील, शावर और निकासियात के निजाम को भी बेहतर बनाना होगा। लियाकतपुर के नवाही इलाका चक नंबर 29 के करीब 3R नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें सैराब आ गईं। रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 29 की आबादी भी सैराब आने का अंदेशा। किसानों की साल भर की जमा पूंजी पानी की नजर हो गई। पानी तेजी से आबादी की जानिब जाने लगा। पानी का बहाव तेज होने से शगाफ बड़ा होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि एक माह बाद पानी आया तो महकमा की गफलत की वजह से जमींदारों का शदीद नुकसान हुआ है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से गफलत बरतने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रुक करते हैं जिला सहाबतपुर का, जहां पर जीपी ऑफिस के सामने जिला भर के सहाफी ब्राची ने सैकड़ों की तादाद में धरना दे दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं NAN24 न्यूज HD के ब्यूरो चीफ जाफर खान कुनवानी से। जी जाफर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। रहमान रहीम, जिस तरह तहसील फरीदाबाद के चेयरमैन जो प्रेस क्लब के चेयरमैन थे सफदर हुसैन मुस्तफा के घर में बड़ा डकैती रूमा पेश हुआ है। वहाँ बच्चों को हिरासा करना और पुलिस की जो कार्रवाई ना करना और आज तक मुजरमान को गिरफ्तार ना करना इंतहाई अफसोस का है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, मगर पुलिस की जो आज तक 5 दिन गुजर चुके हैं मगर आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी। सोबतपुर की पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। फरीदाबाद पुलिस भी मुकम्मल तौर पर नाकाम। जी देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है साफी के घर में नामालूम मुसला अफराद घुस कर चादर और चार दीवारी की तकत उसको पामाल किया गया है। खवातीन और बच्चों से जेवरात छीने गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये सोबत पर पुलिस की इंतहाई नाअहली है। मैं हुकूमत बलोचिस्तान IG बलोचिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि सहाफ़ियों को तहफ़ फराहम किया जाए और फरीदाबाद के सहाफ़ी के घर में जो डकैती की वाक़या हुआ है उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बसूरत दीगर। जी जाफर, बहुत शुक्रिया आप तेज करने का। मुडेरों से खबर शामिल करेंगे। गुलाम सरवर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुडेरो और पाकिस्तान सहाफत कौंसल रजिस्टर्ड के वक्त की मुडेरो आमद। तहसील रतोडेरो के चेयरमैन मुलाजिम हुसैन खलंसरी और तहसील रतोडेरो के मेम्बरान सनाउल्लाह कुरैशी, गुलाम सरवर शेख, मोहम्मद इसहाक कुरैजो, रूहुल्लाह कुरैजो, जावेद अहमद भुट्टो से मुलाकात की। मुलाकात में 4 सहाफियों मैं नजीर भुट्टो, मोहम्मद बख्श, मौर्यो जहांगीर और अब्दुल फहीम कुरैजो ने और पाकिस्तान सहाफत कौंसल रजिस्टर्ड पर एतमाद करते हुए मेम्बरशिप फॉर्म भरवाया, जिस पर चेयरमैन फुरकान सुल्तान ने भी कहा कि हमारी तंजीम पूरे पाकिस्तान में सहाफियों के हकूक की आवाज़ बुलंद करेगी। इस मौके पर चेयरमैन मुलाजिम हुसैन कलंसी और मेम्बरान की जानिब से और पाकिस्तान सहाफत कौंसिल के वक्त को सिंध की सकाफती अजरक के तहत पेश किए गए और फूलों के हार भी पहनाए गए।
सहवंत शरीफ से अब पेश करते चले। सहवंत शरीफ में नौजवान अपने वालिद से नाराज होकर चला गया। 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी नौजवान का पता ना चल सका। रिपोर्ट कर रहे हैं रशीद अली। जी रशीद बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान रशीद अली भमरो। आप देख रहे हो चैनल NN24 न्यूज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है मोहम्मद अली मीर अली के घर में, जो गुजरश्ता 6 माह से घर से नाराज होकर चला गया था। अभी हमारे साथ उसका वाल साहब भी मौजूद है, रजा मोहम्मद मीराली। हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, किस हवाले से वो नाराज़ होकर चला गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं, ये कैसे नाराज होकर चला गया था? नाराज़ असा के मैं कला बंदा जेके न मैं नहीं कमा सकता, कुछ मदद करो। छोटे छोटे बच्चे ने थे परदेस रह पे, उनकी मदद करो, कुछ पूरे नाराज नाल वनी धंधा करो। उठू नाराज थी गया, मैं निकल गया इतू घरों नाराज थी गया। जिथे मैं कुछ समझ आ गया, मैं उठे पता कर कर थक पिया। 6 महीने थी गए, किथू आवाज जा नजर नहीं आया। हाँ खुदा कारण मैं सरकार को आखे ना, गरीब को आखो, जै बंदे को नजर आ वने मेहरबानी करे कुरान तरफ बच्चे तरफ दे मदद करो। मैं गरीब बच्चा जेके बच्चे पीछे मरते पे भुख थे, जो भाग नजर आ वने हथ आ वने नंबर मोबाइल दा दिसू जी ये कॉल करो मैं पहुंचवे। अबा हे ईद खाई मोटी वयो तो ओडो ना आयो आ, हाँ कावड़ जी वयो आ, कलंदर जे सदके असा के मिली वने बाबा। ता के अपील दा कयो? बस सब के चई बैठा हूं, कोई मदद न तो करे। ता हुकूमत हुकूमत गवाही करे, कलंदर जे सदके असा के पुजाए वने बाबा। असा गरीब मानू। जी बिल्कुल, आपने मोहम्मद अली मीर अली के वाल साहब की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि हमें हुकूमत से और आवाम से यही अपील है कि ये बच्चा हमारा जहाँ पे भी नज़र आए तो दिए हुए नंबर पे रابطہ करे, ताकि हम वहाँ पे पूछ सकें। कैमरा टीम के साथ में हूँ रशीद अली भमरो, NN24 न्यूज़, सेवन शरीफ। जी रशीद अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। शामवाला में SP हेडक्वार्टर अब्दुल कयूम गोंदल को तैनात होने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर सहाफी ब्रांचे ने कहा कि अब्दुल कयूम गोंदल से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिशान मुगल ने कहा कि मजलूम के साथ सियासती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि SP हेडक्वार्टर अब्दुल कयूम गोंदल ने कहा कि इसराइल पेशा अफराद के साथ खुली जंग है, जो डकैत खतरनाक गैंग्स के लिए नंगी तलवार है। मोहम्मद जुबैर खान LLP एडवोकेट हाईकोर्ट गुजरांवाला को इनकी खदमात की वजह से सराहा गया। इस मौका पर इन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा आवाम के लिए खुले हैं। इस मौका पर सहाफी ब्रादरी भी मौजूद थी।